हमारे कोर्स नए से लॉग में। तो आज है डेट 16 अक्टूबर, और आज हम लोग फिर से जा रहे हैं वहीं पे जहाँ पे लास्ट ब्लॉग में गए थे, पर वो कट हो गया। तो चलिए चलते हैं और देखिए मौसम कितना सुहावना है, मतलब बहुत अच्छा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मौसम और फिर चलते हैं। वेदर आज बिल्कुल चेंज हो चुका है, पूरा बारिश जैसा। और अब कुछ देर पहले तो बादल एकदम यहाँ से जा रहा था, मतलब एकदम हल्का ही सा, पर बहुत अच्छा वेदर हो रखा है। तो आज हम लोग वापस जा रहे हैं ढोसा पॉइंट। कल तो गए थे तो बंद था, पोपट हो गया, और आज देखते हैं आज क्या होता है। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, अगर कोई अच्छा पॉइंट मिला तो वहाँ से आपको एक टाइम लैप्स ज़रूर दिखाएंगे, मतलब शूट करेंगे तो दिखाएंगे। और ये है यहाँ का वेदर, जो हिल स्टेशन का वेदर होता है वो आज देखने को हमें मिल रहा है। चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फिर से ढोसा पॉइंट, और देखिए ध्यान से देखिए बादल एकदम यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। जो हिल स्टेशन का जो वेदर होता है ना, बिल्कुल उसके तरह है। देखिए आपको वहाँ से लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है आज, बिल्कुल क्लियर क्लियर और एकदम। और बादल आता है यहाँ तक, बिल्कुल ये पूरा बादल ही बादल रहता है, तो ऐसा है। चलिए देखते हैं आज मॉर्गन हाउस है कि नहीं, उस दिन तो बंद था। ये देखिए बादल बादल बिल्कुल दिख रहा है, ध्यान से देखिए एकदम क्लियर यहाँ से होते हुए जा रहा है। यही है यहाँ का व्यू, क्या मस्त है। इसी व्यू के लिए हम वेट कर रहे थे, देखिए। हाँ ये देखिए बिल्कुल क्या मस्त है, ओके परफेक्ट। और यश कैसा लग रहा है? और चटनी बहुत अच्छा मेरे लिए सब अच्छा है। कैसा लगा ये आज? बहुत अच्छा लगा, मतलब परफेक्ट था। और मौसम भी बहुत अच्छा दिखा चुके हैं, बार बार दिखाने का कोई फायदा नहीं है। और आप बताइए आपको कैसा लगा? ये क्यों पूछते बार बार कुछ और? अरे तो बार बार पूछते हैं इसलिए। कैसा लगा अभी ढोसा? डोसा तो बहुत अच्छा था। और आगे अब हम लोग कहाँ जाने वाले? जाएंगे कहीं, कोई मंदिर है। कोई मंदिर है वहाँ जाएंगे, तो वहाँ जाते हैं और देखते हैं। मौसम तो बहुत अच्छा है, फोटो देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए vishal_2607 पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था हमारा ढोसा पॉइंट, और इधर है, हाँ दिखा चुके हैं, दिखा देते हैं फिर से। कितने लोग आए, बहुत फेमस है ढोसा यहाँ का, इसलिए बहुत सारे लोग आए हैं। और जितना बार दिखाया उतना कम है, और कैमरा में जस्टिस भी नहीं कर पाता है, तो इसके लिए DSLR चाहिए। और अभी हम फ़ोन से कर रहे हैं, देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं और फिर आपको दिखाएंगे। सभी लोग चाय पी रहे हैं और हम चाय पीते नहीं, हम बस कॉफ़ी पीते हैं, तो इसलिए चाय हम नहीं पी रहे हैं क्योंकि चाय हमको पसंद है। अभी टाइम हो रहा है, 3 बज चुका है, देखते हैं अब आगे। हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, जैसा कि आपको बताए थे। तो ये है यहाँ का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, देख सकते हैं। और पहाड़ तो हर जगह से दिखता ही है, तो दिख ही रहा है ये मंदिर। चलिए चलते हैं, अब चलेंगे तो अंदर दिखाते हैं श्री गुरु जी की मंगल ध्यान स्थल। तो यहाँ चप्पल वप्पल खोल के तब चलना है। तो पहले सैनिटाइजर ये सब लगा लेना है, सेफ्टी को फॉलो करते हुए तब फिर जाना है। तो यहाँ से हम लोग आ रहे हैं ऊपर, ये देखिए ये है मंदिर, ये है मंदिर। और ये फूल ये सब लगा हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ बीच में ऐसा हरा भरा है। चलिए
ये चलते हैं ऐसे। ये देखिए फूल, प्रणाम आपको दिख रहा हो तो। ये कुछ ऐसा है बना हुआ है, फिर यहाँ से चलते हैं। यहाँ से चलना है, क्या है, जय श्री राम। हाँ प्रणाम लिखा हुआ है, हमको लगा जय श्री राम लिखा। और ये फूल फूल पौधे, फोटो लेना है। यहाँ सब फोटो शूट करने लगा तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, और हम सब फोटो ले रहे थे। और बहुत प्रकार के आपको फूल यहाँ देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही प्रकार के। और यहाँ से मंदिर है, आपको दिखाते हैं। ओहो, ये कहाँ गए हम, तो देखिए ये है, ये मंदिर है, सब चीज़ का मंदिर है। और मेन यहाँ पे क्या है आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छा मंदिर है। नहीं, सब प्रकार सब चीज़ का मंदिर है। गुरु जी ये श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण राधा जी जी। यहाँ का एक सिनेमैटिक लुक आपको दिखाते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is. तो फिर अंदर अंदर चलना है। कैसा लगा आपको यहाँ का मंदिर? बाहर देखिए मैं कोई आता ही नहीं मेरे ब्लॉग में, सब शर्माता है बहुत। अब बताइए 1.2 के तो सब्सक्राइबर, इसमें क्या बढ़ा? जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, देखा जाएगा क्या दिक्कत। तो अच्छा बात है ना, आप भी फेमस हो जाइएगा। तो कैसा लगा तुम्हें मंदिर? बहुत अच्छा, मतलब फिर से वो क्या ही? अरे ये क्या था? ए, और यहाँ से आ गए, पता ही नहीं चला। गजब, पता ही नहीं चला। और निकल गए यहाँ से, भूल भुलैया था ये तो। और यही था मंदिर, स्ट्रक्चर बड़ा है, अंदर से भी बड़ा है, बहुत अच्छा है डिज़ाइन ये सब में, बहुत ही अच्छा। ये आप पढ़ सकते हैं, महामति है अति उदार, तुम सेवा से पाओगे पार। आप देख सकते हैं। फोटो शूट हो गया, और ये बहुत अच्छा फोटो लिया, हम भी इनका लिए, और इसका तो ब्लॉग में लेना ही। तो चलिए अब चलते हैं वापस अपने घर की ओर। कुछ दिख, इतना सब छोटा है मेरा हाइट से कोई दिखता ही नहीं है। तो चलिए बैठते हैं। तो ये है द पिंडारा, तो अभी कोरोना के कारण ये बंद है, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एक पिक तो बनता है।
एक पिक हम लोग ले लिए हैं और यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है तो यही है डब भंडार। तो अभी अंदर जाते तो आपको दिखाते पर बंद है कोरोना के कारण तो नहीं जा सकते हैं, तो अब घर ही चलते हैं और क्या। गाइस अभी घर पहुंच चुके हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग, तो कल दार्जिलिंग का पूरा व्लॉग आएगा, वो शायद 2 या 3 पार्ट में आएगा क्योंकि कल पूरा दार्जिलिंग हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी सब एपिसोड आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा, जाके देख लीजिए एपिसोड 1, 2, 3, 4, टोटल 5 एपिसोड आ चुका है और 6 ये है और 7 दार्जिलिंग वाला होगा। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो Vishal_260075 पे फॉलो कर लीजिए जहाँ आप हमारे पिक्स को देख सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए पिक्स पे और फॉलो भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी एक और से नए से व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय।